साथियों 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हम में से चले गए और बाबा साहब को जाके आज 67 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग भ्रांति में है कि बाबा साहब के जाने की जो घटना है इसे महापरिनिर्वाण कहे या परिनिर्वाण कहे या महाप्रयाण कहे या क्या कहे। तो इसके लिए ये वीडियो है और मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम क्विक में कि 6 दिसंबर 1956 ये महापरिनिर्वाण है या महाप्रयाण है। तो साथियों मृत्यु की 4 अवस्था हम देखते हैं। पहली अवस्था है मृत्यु और निधन, जिसे हम दिवंगत होना कहते हैं, कालकथित होना कहते हैं। साधारण जो व्यक्ति होता है उसका हमेशा मृत्यु होता है। उसके बाद आती है निर्वाण कंसेप्ट, जिसे हम पाली में निर्वाण कहते हैं। निर्वाण होता है अरहंत बौद्ध भिक्षुओं का, जो भग रागो भग दोषो भग मोहो, राग द्वेष मोह से जो अलिप्त होते हैं, जो उस पर विजय प्राप्त करते हैं, वो अरहंत सत्वों का निर्वाण होता है। उसके बाद आता है महाप्रयाण, जो कि होता है बोधिसत्वों का, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी बोधिसत्व थे, उसी प्रकार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व तारा और बाकी के बोधिसत्व, तो इनका बोधिसत्वों का महाप्रयाण होता है। और महापरिनिर्वाण ये सम्यक संबुद्धों का होता है, महापरिनिर्वाण ये बुद्धों का होता है, महापरिनिर्वाण सम्यक संबुद्ध का हुआ, यानी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ। तो इस शॉर्ट्स में, इस छोटे से वीडियो में हमने समझा कि बाबा साहब के मृत्यु के, निधन के, कालकथित होने के घटना को हम मृत्यु, निधन या कालकथित होना नहीं बल्कि महाप्रयाण कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब एक बोधिसत्व थे। नमो बुद्धाय, जय भीम सत्व।